गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है होम टाउन। आज हम सीखेंगे कि हम अपने होम टाउन को कैसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये एक चीज़ जान लो कि इसके पीछे टाउन लिखा है, तो मतलब कि अगर आपको होम टाउन पूछा गया है तो आपने हमेशा अपनी सिटी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता सकते हैं माई होम टाउन नेम इज एनी सिटी लाइक जलंधर। ठीक है, उसके बाद कह सकते हो आई लिव इन स्मॉल सिटी विद बिग नेम, कि मैं स्मॉल सिटी में, मेरी जो सिटी है वो छोटी है मगर उसका नाम बहुत बड़ा है, फेमस है। उसके बाद आता है इट इज़ हब ऑफ मैनी मार्केट्स, कि वो उस मेरी सिटी में बहुत सारी मार्केट्स हैं एंड पीपल ऑफ माय होम टाउन इज़ वेल सिविलाइज, मीन्स कि जो भी लोग इस सिटी में रहते हैं वो बहुत ही अच्छी थिंकिंग वाले हैं और वेल क्वालिफाइड है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आए कि वाई यू लाइक योर होम टाउन, तब आप उनसे बता सकते हो इट्स क्लाइमेट इज एक्सीलेंट एंड आप इससे पहले बता सकते हो कि वेल सर मैम Who do not love their motherland? ये बता के आप उसके reasons बता सकते हो कि आपको अपनी city बढ़िया क्यों लगती है। ठीक है, उसको इसके बाद ये बता सकते हो कि people of my hometown live there विद यूनिटी, कि वो एक यूनिटी में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं भावें ओह डिफरेंट रिलीजियस नू बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह सकते हो कि इट इज इक्विप्ड विद All the requirements, like वहाँ पर बहुत सारी facilities होती हैं and it have all kind of transportation facilities. Like buses, trains, auto rickshaw, as well as medical and good education system. Friends, ये है ना एक नेचुरल वे में आंसर हो जाएगा आपका, अदरवाइज ऑल द स्टूडेंट एक ही लाइन में आंसर देते हैं कि माय होम टाउन इज़ इक्विप्ड विद ऑल द फैसिलिटीज लाइक मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, बट हम इसे थोड़ी चेंजिंग वे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली फॉरेन कंट्री, फिर तुम अपनी कंट्री वापस आना चाहोगे होम कंट्री या नहीं, है ना, होम टाउन दे विच, फिर आप कह सकते हैं एक इदा बर्ड्स फ्लाई इन द मॉर्निंग बट अल्टीमेटली
दे कम बैक टू देयर नेस्ट इन द ईवनिंग कि पंछी भावें उड़दे आ सवेर नू पर फिर भी वो अपने घर वापस रात नू आउंदे आ तो आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं फिर कह सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स असी अपनी कंट्री च वापस आवांगे बिकॉज माय लव रिमेन माय होम टाउन इज फॉर एवर कि मेरा जो प्यार है अपने होम टाउन की तरफ वो हमेशा ही बना रहेगा ठीक है तो आप ये क्वेश्चंस आए गए आपको इसी पैराग्राफ में सभी क्वेश्चन होम टाउन्स के हैं तो आप उसका इस तरह से आंसर दे सकते हैं फर्स्टली बता सकते हैं कि माय होम टाउन नेम इज़ डैश एंड आई लिव इन अ स्मॉल सिटी विद बिग नेम एंड इट्स नेम इज़ जलंधर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई डू लाइक योर होम टाउन तब आप बता सकते हो कि इट इज़ हब ऑफ मैनी मार्केट एंड इट इज़ इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड इट आल्सो इंक्लूडेड द मेडिकल फैसिलिटी ठीक है एंड ऑल्सो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि वाई यू लाइक योर होम टाउन देन आप बता सकते हो कि माई होम टाउन इज़ वेल इक्विप्ड एंड पीपल ऑफ माई होम टाउन लिव देयर विद यूनिटी and when they when there is any festival the people of my hometown celebrated the whole festival with great pop and show and also I really like my hometown the agar last la question aapko aa sakta hai ki do you like your hometown to aap bata sakte ho ki sir ma'am who do not love their hometown so therefore I also like my hometown because I live there since my childhood and I spent my whole childhood days over there and there are many things which I really liked during my childhood that I spent it in my hometown to aap ye answer se examiner ko bata sakte ho theek hai thank you so much